ये सात आठ साल ऐसे मोड़ के ऐसे बैठ गए, हाँ ऐसे बांध के ऐसे सात आठ साल से गुरु जी। हाँ बस ये घुटनों से नीचे नीचे है और ऐसे ही कोहनियों से नीचे नीचे है, इसके ऊपर नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे गोलगप्पा होता था ना जी, हाँ वैसे फोले पड़ गए ऐसे। हाँ जैसे गोलगप्पे की तरह एक फोला हुआ, फिर वो फट गया, पानी सा हुआ, फिर घाव हुआ। घाव कैसे हुए ये देख लीजिए, ये ब्लड आ रहा है अभी भी, है ना। हाँ अंदर का मांस दिखाई दे रहा भैया, तो स्किन कहाँ गई इसकी, चमड़ी नियस के ऊपर, जो चमड़ी होती है ना, चमड़ी नियस के ऊपर। ये ऐसे बांध ले, यहाँ यहाँ पे बांध ले दोनों, है ना, यहाँ करके घुटने से यहाँ करके बांध ले। अब गले में है, गले में इस टाइम है, कितना महसूस हो रहा है, कुछ कम हुआ, थोड़ा बहुत हुआ बस, तो सारा ये दोष ही है, जमा हुआ है। तू माता जी के साथ आती रहे, ठीक हो जाएगी, है ना। कौन सी बार आए हो आप? हाँ तो अभी आपने आना है, आपकी चीजें जमी हुई है, निकलेंगी। माता जी ठीक है? ठीक। कहाँ दर्द? अब नहीं है। अच्छा ला, क्या नाम है तेरा? कविता। नहीं बाद में बांध दिए, क्या दिक्कत है? तूने अपने हाथ से तेल लगाया, दर्द भी होता है इनमें? बोलो, वैसे दर्द नहीं होता, ऐसा दबाव आता है, कैसा दबाव आता है? अपने आप ही तो ये फटता है बार बार, इसमें खून निकलते हैं, तो इससे दर्द नहीं होता है? कितने साल से शुरू हो गया ये तेरे को? 10 साल के करीब हो गया। पहले ठीक थी बिल्कुल? हाँ। ये कब हुआ? जैसे ये बोले डॉक्टर खून की कमी है तेरे अंदर। अच्छा, खून की कमी से पहले से? तो पहले से, मतलब शादी से पहले जख्म है? नहीं। और शादी के बाद? शादी के बाद कितने दिन बाद? 7 साल बाद, 7-8 साल बाद। किसी के बच्चे के होने पे? नहीं जी। क्या बच्चे हैं तेरे पास? 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की, लड़के लड़के? एक लड़का एक लड़की। कहाँ रहते हो आप? हम वैसे तो जी जो बावरिया वाला था, हम गाँव मोड़ थोड़ा। हाँ वहाँ, लेकिन रावता मोड़ पे रहते थे आप। अच्छा, तो वहाँ कैसे रहते हैं, आपकी जॉब है? पहले जॉब थी जी। तो कोई बीमारी न जी, बेरोजगारी। इस पे कितना पैसा आप लगा चुके हो? दे रहना थी गिनती है कौन है आपके पैर पे, हाथ पे ही सब कुछ चल रहा है इसका मतलब? जो आता रहे, जो लागता रहे। ऐसे मतलब जीवन चला गया कमा के और हाथ शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन ना तो शरीर ठीक हुआ और ना कमाई, ना पैसा जुड़ा। जैसे ये अभी अकड़ा हुआ है, ऐसे करती है ऊपर नीचे तो दर्द होता है। अच्छा, भैया से चेक कराया, यहाँ क्या बताया उन्होंने? मशानी बता रहे थे गुरु जी, मशानी उल्टी कर रखी यार, पितर पितरों का दोष है, पितर भी हो रहे, प्रेत भी नहीं बता रहे थे ऐसा। अच्छा, तो आप ठीक हो गए, आपको रोग में आराम पड़ेगा, तभी तो हम मानेंगे आपको पितर का दोष है, ऐसे कैसे मान लेंगे?
बताने वाला तो कुछ भी बताएगा, हम कैसे मान ले भाई। नहीं अच्छा, तूने कभी इस पे ऐसे तेल नहीं लगाया? बबू तेल भी लगा गुरु जी, और नारियल का भी, वो जो नीम का बक्कल हुआ ना पीस के, वो भी लगा, बहुत लगाए हैं, दवाई भी ट्रीटमेंट भी चला है। डॉक्टर क्या लगवाते हैं? डॉक्टर ने तो अपनी दवाइयाँ दे रखी, तो क्रीम वगैरह कुछ नहीं बताया। हाँ क्या बोले? बस बोले अपना दवाइयाँ खाओ, और अपने इस पर ड्रेसिंग वगैरह भी अपने विटामिन वगैरह से ड्रेसिंग ही करते हैं बस, और उन्होंने कुछ नहीं बताया। तेरा ऑपरेशन ऑपरेशन तो नहीं किया उन्होंने? नहीं, खून की कमी होती है तो वे खून बढ़ा देते हैं, खून चढ़ा देते हैं। नहीं चढ़ाया? खून चढ़ाया था गुरुजी, फिर इनकी हालत ही ऐसी हो गई थी, कभी बिल्कुल मरणावस्था में चली गई थी। अच्छा, उन्होंने कह दिया था भाई ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा भी बोल दिया? ऐसा कौन से हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया? ऐसा ये जो चंदू बुढ़ेड़ा वाला नहीं जी गुरु जी, एस सी टी बोला था। हाँ, एस सी टी वालों ने देखा इनको? हाँ, उन्होंने देखा था कि भाई इसमें कुछ नहीं, ये बोल दिया। अरे सोनू जी भगा दो ना इसे, बार बार अभी इसकी थोड़ी बहुत है इसमें मामला, बोला एक बार अपनी कोशिश कर लो, हम इसको वहाँ लेके पीजीआई में तो वहाँ से इनको कुछ थोड़ा सा आराम मिला, इनके सांस बावड़ते आगे, फिर वहाँ से ये कुछ जी भी। हाँ, फिर वहाँ से फिर मैंने एक भगत से बात की थी गुरु जी, वहाँ भी उन्होंने भी वैसे तो जवाब ही दे दिया था, लेकिन वे बोले बोले भाई इसका ना थोड़ा हाई कार्य करना पड़ेगा, इसके ना मसाणी का वो छोड़ रखा है, उसने बताया ये बात। हाँ, कि बोला इसके ना थोड़ा, अगर आपने ये चाहते हो कि इसका आराम हो जाए और ये घर आ जाए, तो बोला ऐसा काम करो, मैं घर से वहीं से मतलब छुट्टी ले गए 24 घंटे की, 24 घंटे क्या सुबह आया शाम तक वापस ही लौट गया था। काम क्या किया? उसने चौराहे का बताया था कि भाई अपने गुलगुले बना, पूड़े बना, चौराहे पे रख, हार चौराहे पे जाके वो कर, और एक बच्ची बताई थी गुरुजी उन्होंने, उसके कान पे कट लगा के बोला उसको छोड़ दे वहीं पे चौराहे पे। उस टाइम पे कोरोना काल की बात है गुरुजी, जब मंदिर सभी बंद थे, फिर उसके बाद इनको आराम सा थोड़ा रिलीफ होया, वहाँ से हमने छुट्टी भी मिल गई। 15 चीजें चली गई ना गुरुजी? गई नहीं, लेकिन इतना बताया था उन्होंने कि भैया चली जाएगी, गई नहीं चली जाएगी, मतलब समझे देखते हैं है कि नहीं, कि मतलब ये घर पे आ जाएगी, इसको आराम हो। आंखों में देखो, ये तेल उठा लो मेरे पास, मेरे पास कैसे पहुंचे? कौन सी बार आई है तू? हाँ नहीं पता कितनी बार है। बार में बार वो दिए भाई पूछने का, अरे वो दे दे तौलिया का, वो ले दे। से क्या कोई अंतर महसूस हुआ तुझे? ये जब सो जाते पहले सो नहीं पाते, दोरे पड़ते रात को, सोते हूं ज्यादा गहरी नींद आने, 2-3 घंटे लगातार सो जाते। हां फिर दोरा पड़ जाता है, दोरा पड़ जाता है। और अब दोरा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अब 3-4 दिन से नहीं पड़ रहा, 3-4 दिन से दौरा नहीं पड़ रहा। डॉक्टर को पूछा था ये दौरे क्यों पड़ते हैं भाई? डॉक्टर साहब कुछ नहीं बताते गुरु जी, कुछ नहीं बताते, उनको बोलना भी था, उनने देखो मजाक सा लगा है गुरु जी की, पता नहीं ऐसे इस तरह के दौरे नहीं होते, उनको बताता ना भी जाड़ भी जाती है, मुँह में घुड़ा जाते हैं, सारी नशे ऐसे अकड़ जाती हैं, हाथ उल्टे हो जाते हैं। अच्छा तो उनको मजाक सा आता है? वो तो मजाक सा सुनता है, टेस्ट में बोला कुछ आ नहीं रहा ये है वो है। आपका हाथ कांप क्यों रहा है? किसी पे वो है क्या सैनिटाइजर? सैनिटाइजर है किसी के पास? दो जा रहे हैं। अच्छा उनको मजाक सा सूझता है? हाँ गुरु जी। क्या कहते हैं फिर? बोला भैया ऐसे तो दौरा इस तरह के तो दौरे आते ही नहीं है,
हर बोले या तो हमारे आगे आए, डॉक्टर ये बोलता है या तो हमारे आगे आए कि भाई किस तरह का दौरा था, हम कुछ जब ट्रीटमेंट करें तो यार जानता नहीं। कभी वीडियो बना के नहीं दिखाई दौरों की? दिखाई वैसे भी बता दी कि भाई इस तरह के आते, लेकिन वो मुझे भी समझ नहीं आया। अब जैसे कहीं बाइक वगैरह जाते तो ऐसा भी डर रहता गुरु जी के पीछे तो पड़ना था, एक दौरे के कारण ही पड़ा था। कुर्सी पर आराम से बैठी थी, हाथ पैर मुड़ गए और ये सिर जाकर लग गए ऐसे सीधा। तेरे साथ तो सब उल्टा उल्टा सा चलता है, तेरे हाथ क्यों कांप रहे? कांप रहे हैं या नहीं कांप रहे? देखता हूँ। तू ठीक हो जाए तो इसको क्या माने? आप उम्मीद रखते हो ना ठीक होने? ठीक हो जाए तो क्या समझे? बस इसके अलावा कुछ नहीं जानता ना भारत का आदमी। ठीक हो जाए तो ये मानेगी कि मुझे निगेटिविटी से ये सब था। किससे था? निगेटिविटी से था, यानी कि प्रेत और पितृ दोष से था। आगे ना, जैसे आपकी एक चीज़ ठीक हो गई कि आपके दौरे बंद हो गए रात के और नींद आने लगी, इसको कम मान रहे? अब मैं सोच जाती हूँ गुरु जी ये रात को इसके छात्रों के साथ रहने में दिक्कत होती है। इसका मतलब दोष है ना कहीं ना कहीं? वो तो है गुरु जी, वो तो हम कन्फर्म। जब उन्होंने भी मशानी बता दी जो इनको मिले थे वे, यहाँ कांप क्यों रहा है? रोको मत भोगन। शम सनिश्चर आए नमः। ओम शम सनिश्चराय नमः। ओम शम सनिश्चराय नमः। ओम ओम शम सनिश्चराय नमः। ओम ओम शम सनिश्चराय नमः। ओम माता जी दर्द है कहीं? तो बाबूजी की झूठी चाय पी ले। बूढ़ा आदमी नाक टपका के दे देता हूँ भाई, तने भी हद ही कर दी भाई, कहाँ है तुमको? कौन है ये लड़की? अरे बहुत हंसती है, सबके मजे लेती है। जान आ रही है अपने घर, एक साल हो गया पढ़ाई ना पढ़ती है। अन्यू कह रही है गुरु माता मैं तो यही रहूंगी, इसी धाम में रहूंगी। मैंने कहा तो लांछन लगवाओगी मेरे पे, अगर बच्चे यहाँ के पढ़ना छोड़ दे हैं। सपने में भी यही कहती है हम शनि धाम से नहीं जाएंगे, बता क्या करूं? सपना भी यही लेती है। ये तेरे माध्यम से मैं तेरा केस दिखा रहा हूँ। तूने अब चार दिन लगातार आना है, मैं इसमें उन्नति देखना चाहता हूँ। मैंने अपने हाथ से तेल लगाया और जाप कर रहा हूँ, आगे ना समझ में? और उन्नति होगी होगी, तेरे घाव भरेंगे भरेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता चार ही दिन में। विश्वास है वो माता जी, आप पहले मोटे थे क्या? नहीं मोटे थे तो लंबे भी थे क्या? और लंबे भी थे, हमने लंबाई घटा दी है। नहीं लंबे नहीं थे। आ जाइए बैठ जाइए, अब इनको देख के मैं तुम्हारा करूंगा, ठीक है? बस जय शनिदेव बोल दो। बहू आई है, क्या नाम है उसका? सरोज। अच्छा फिर ठीक है, सरोज मेरी सासू का नाम है। बहू से लड़ती तो नहीं है तू? लड़ती तो नहीं है बहू से? बहू से लड़ती है? नहीं तनमनी होती है, थोड़ी बहुत हो जाती है। हाँ तनमनी।
सरोज ये तेरी लड़की है, तेरी पोती भी आई है साथ, कौन आया साथ में? पोता है, ये तो पोती बन गई पोता। मुझे देखने से लग रहा है तुम पहले मोटी थी। नहीं सरोज, पहले माता जी मोटी थी क्या? कितनी ऐसे आंखें बंद करके महसूस करो शरीर में क्या हो रहा है। नजर लगी है तुझे किसी की? हम किसी का बुरा भी नहीं करते, किसी का कोई मतलब नहीं। कल जुग है अच्छा ही दुख है, माता जी ने बता दिया अच्छा ही दुखी है। कल जुग है, कल जुग पूरा है ना, कल जुग है, माता जी बता रही है। कल जुग है कि नहीं है? है, अच्छा आदमी दुखी है। रातों में भी और फिर लगाने से वो जलन जो महसूस हो रही है वो घाव घाव पे हो रही है या सब जगह? वो तो तेल लगाने की जलन हो सकती है, तेल भी सरसों का, वैसे इससे जलन तो होती नहीं है। होती है? पट्टी बांध दूं? इतनी पट्टी बांध ली कोई साल से? शादी हुई जब 1.5 साल बाद इनके पैर टूट गया, 10-15 साल तक इनके ऑपरेशन कराते रहे, 8 ऑपरेशन ही करवाए, फिर अपने आप को हो गया। ये सेम इनको था पहले? नहीं, पैर टूटने से उसका पैर टूट गया। दिक्कत तो पैर की हो रही है क्या भाई? लेके आना जैसे खाली नहीं तो एक पागल औरत थी वहाँ पानी की टंकी पे जहाँ से हम करते थे, उसके कुछ दिमाग में कुछ फर्क था, लेकिन वो थी भगवावाड़े में, जैसे अपना भगवावाड़ मस्तर नहीं होते उसमें, और वो पनियों को उठा उठा कर कभी नून से नून फेंक रही थी, नून से नून फेंक रही थी। जैसे मैं गाड़ी खाली करके आया, ट्रक खाली करके आया, तो मैंने उसको हटाने के लिए हॉर्न बजा दिया, वो उस हॉर्न से डर गई, खड़ी गाड़ी मेरी खड़ी है बिल्कुल, लेकिन मैं कहा भाई मैं भी चलूँगा तो उसको हॉर्न बजा के सावधान तो करूँगा, वो मरेगा आज तू मरेगा, बस उसके दिमाग में सर एक ही रट, आज तू मरेगा, आज तू मरेगा, एक ही बात। और शाम को जब मैं मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई, मैं घर के लिए जब चला तो मैं गाड़ी में बैठ लिया था कि भाई अपने टाइम से घर पहुँचेंगे, घर के बाहर आ गए हो गाड़ी का, मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया, बोला भाई मैं कितने निकल गया, मेरी बाइक ले जा तू आज और सुबह लेता है, माँ भाई मैं गाड़ी में बैठ लिया, दरबार ने आगे उतरूँगा जा कर, क्यों मैंने चक्करबाजी में गे रहे? बोला नहीं नहीं सुबह लेता आइए, बोला भाई यहाँ से कोई उठा ले जाएगा, ये है वो, मैं वो गाड़ी में से भी उतर, और रास्ते में ही मेरे साथ गाड़ी भी अच्छी दूर थी गुरुजी नू को ना, वो रोड के परले किनारे पे, मैं उगले किनारे पे, मैं आराम से चला रहा हूँ दूसरे गेर में, और वहाँ से आकर टक्कर मारे, और वो मेरे से गुड़िया कह रही, बोले तू आज मरेगा, तू आज मरेगा, पता नहीं क्या कह रही, उसके मन में क्या चल रहा था, क्या उसने दिख रहा था।
डॉक्टर बोले बोले भाई इसका तो पैर काटना पड़ेगा, बोले इसमें है ही नहीं कुछ जोड़ने के लिए, बोले हड्डियों का तो चूरा हो चुका है। फिर हड्डियाँ पड्डिया जोड़ तोड़ गई मेरे ख्याल से 2007 से लेके गुरु जी अब ये देखो 22 में जाकर ठीक हो गया। अब बिल्कुल ठीक है? हाँ अब ठीक है, हम अपना काम काज कर लेता हूँ, वजन का भी वैसा भी। 8 ऑपरेशन किए? हाँ कई ऑपरेशन हो गए, 7-8 के लगभग। और पैर काट रहे थे? हाँ पहले पैर काट रहे थे कि भाई इसमें जोड़ने हड्डियाँ ही नहीं तो जोड़ेंगे क्या, ये कमर की हड्डियाँ काट काट के लगभग ये डाल, कोई यहाँ से हड्डी निकाले कोई यहाँ से निकाले कुछ और ज्वाइंट करे पिंजरा डाल दिया पहले पिंजरा जो डाल पिंजरा है तो वो डाल दिया रखे पास। तो गाड़ी से पैर टूटे थे? हाँ गुरु जी उसी से हो गया। एक या दोनों? एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल चूरा हुआ था। अभी ठीक है गुरु जी मैं अपना काम काज इसे कर रहा हूँ। इसका गाड़ी वाले का? गाड़ी वाले का तो क्लेम केस चल रहे वो आज भी पूरा नहीं हो, बस कुछ वो उन्होंने रोक दिया गुरु जी, मिला था थोड़ा बहुत है तो, लेकिन उन्होंने फिर वो रोक दिया कि भाई सो ये ज़्यादा दे रहे हैं, अब वो हाईकोर्ट में चला गया किश्तवार का कोर्ट। अब ये कह रहे हैं कि इसको भाई 13-13.5 लाख रुपये दे दो, अरे भाई एक बात है 13.5 लाख रुपये दे दो भैया देने की टाड़ मार तो काम का एहसान नहीं करेंगे। बेटे की शादी कर दी था? नहीं जब तो बच्चे 13 साल का वो भी खींचेगा ना, इसका गोला हुआ होगा ना तो जल